अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अरकम न्यूज HD। मैं हूं नादिया अनवार। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। पाक बहरिया की अमन मश 2023 का आज आखिरी दिन है। मैरीटाइम इंसदाद दहशत गर्दी डेमो, दहशत गर्द हमले नाकाम बनाने की मशकें जारी। वजीर आजम आज बहरी मशकों का मुआयना करेंगे। मरियम नवाज ने नौजवानों से खिताब करते हुए कहा, अपने बच्चे बरतानिया में दूसरों को जेल भरने का कह रहे हैं, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी भरो तहरीक क्यों नहीं चलाते? आज मुकाबला पगड़ी उछालने का नहीं, काम करने का है। शहबाज शरीफ ने लैपटॉप दिए, सस्ता कर्ज दिया। आज तरक्की के बयाने और कौम को जोड़ने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुतनाज़ा बयान, असद उमर ने माफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन को लगता है कि तौहीन हुई है तो माजरत ख्वाह हूँ, खुद को कमीशन के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स पर अटॉर्नी जनरल का खत, अटॉर्नी जनरल ऐवान की तौहीन का मर्तब हो। रजा रब्बानी ने मजीद कहा कि अटॉर्नी जनरल ने वजाहत देने की जुर्रत कैसे की। शोर शराबे के बाइस चेयरमैन सेनेट ने इजलास मुलतवी कर दिया। दहशतगर्दों की वजीरिस्तान मुंतकली के दौरान CTD पर हमला, 4 दहशतगर्द हलाक, जेरे हिरासत 3 मुल्जिमान भी मारे गए। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलादम TTP से था। PSL के सनसनी खेज मुकाबलों का आगाज, लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान को 1 रन से हरा दिया। आज कराची में पेशावर जलमी और कराची किंग्स का मुकाबला होगा। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए अरकम न्यूज़ HD।